खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजपूत समाज एकजुट होकर आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रही है। हमें हमारा हक मिलना चाहिए। राजपूत समाजजनों को तय करना है कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो या बुरा। जब तक आरक्षण का हक हमें नहीं मिलेगा, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। उक्त बात ग्राम खंडीगारा में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला ने कही। उन्होंने कहा कि राजपूत समाजजन वर्तमान समय में एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद भी अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता है तो हम आरक्षण को नौवीं सूची में डालने नेताओं का पुरजोर विरोध करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। जिला स्तरीय बैठक में मुख्य अतिथि जीवन सिंह शैलपुर, विशेष अतिथि प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला, दिलीप सिंह संगठन धार जिला अध्यक्ष हर्षदीप सिंह चौहान, प्रदेश संयोजक यादवेंद्र सिंह, शैल सिंह आदि मंचा सिंह थे, जिनका स्वागत गांव के वरिष्ठ जनों द्वारा साफा बांधकर किया गया। आयोजन से पूर्व खंडीगारा गांव में बैंड बाजों के साथ भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ भी सम्मिलित हुए। चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। जीवन सिंह शेरपुर को जगह जगह माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। चल समारोह गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए धर्मशाला पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज खंडीगारा में राजपूत धर्मशाला में जो कार्यक्रम हुआ, छोटे से गांव में इतना अधिक से अधिक संख्या राजपूत सरदार पधारे, उसके बहुत खुशी के दिन है। था आज हमारा यह राजपूत एकता में बहुत भयंकर संगठन की मजबूती मिलेगी, तो इतने संगठित होकर राजपूत यहां पधारे। साथ ही अभी मध्य प्रदेश में शिक्षक जो भर्ती हुई है उसमें EWS 10% आरक्षण है, उसमें सरकार की गलत नीतियों के कारण सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी है उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है। तो हम लोगों की ये मांग है कि कट ऑफ मार्क्स उनका भी OBC के बराबर हो, 85 जो है, ताकि सामान्य वर्ग के लोग भी 10% आरक्षण का लाभ ले सके। सामान्यतः देखा जाता है कि कर्णी सेना सामाजिक कार्यों में अग्रणी होकर कार्य करती है, लेकिन अभी अभी एक सूचना मिली है कि इंदौर के जो जिला अध्यक्ष है उन पर असामाजिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है पुलिस का, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्णी सेना जब भी कोई मूवमेंट चालू करती है तो सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई रहती है, तो हमारे जो भी पदाधिकारी लोग रहते हैं, भले प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, उनके ऊपर कार्रवाई करके डराने की कोशिश करती है। लेकिन कर्णी सेना किसी से डरने वालों में से नहीं है। पहले हमारे पास सामाजिक मुद्दे थे, अब हम किसानों का मुद्दा भी उठाएंगे, अतिथि शिक्षकों का मुद्दा भी उठाएंगे, पुलिस वालों का मुद्दा भी उठाएंगे। जितने भी मुद्दे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां जिन मुद्दों पर चुप है, सारे मुद्दे उठाएंगे और आने वाले उपचुनाव के पहले सरकार अगर इन पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग चुनाव में इनको अपनी ताकत दिखाएंगे। गढ़ोत्कला से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।